हेलो दोस्तों मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को तो आज का जो वीडियो है देखने में आपको लिटरली कॉमेडी लगेगा क्योंकि चाइनीज़ मीडिया के जो लोग हैं चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन जो है वो लिटरली उनकी जल रही है और जल जल के मतलब उनकी दिमागी हालत ही ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हिल रहा है बहुत ज़्यादा दुल रहे हैं और और मोदी जो है नोबेल पीस प्राइज जीत सकते हैं ये बात सोच के ही जो है उनको नाइटमेयर्स आने लगे हैं और वो कितना मतलब हिस्टोरिकल हो गए हैं किस तरीके से जो है अपने पागलपन को वो कैमरे के सामने दर्शा रहे हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो वीडियो तो शुरुआत में मतलब मैंने थोड़ा देखा तो मुझे बहुत फनी लगा अब आपके साथ जो है पूरा वीडियो मैं देखूँगा तो उसके बाद बहुत सारे चाइनीस लोगों के जो जलन की जो कॉमेंट है वो भी पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट चलिए शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग और इजी गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है और मेल के साथ गेम खेल के आप अच्छे प्राइस और बोनस जीत सकते हैं साइट पर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सपोर्ट के साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आपको मिल जाते हैं लेकिन मैं फास्ट गेम्स को रिकमेंड करूंगा क्योंकि मुझे इसकी सिंप्लिसिटी और विनिंग स्पीड बहुत ज्यादा पसंद है मुझे सबसे अच्छा गेम क्रैश लगा है क्योंकि आप एक मिनट से भी कम टाइम में दस गुना ज्यादा जीत सकते हैं मेल प्लेटफॉर्म बहुत सारे एथलीट्स और पॉपुलर लोगों के साथ पार्टनरशिप रखता है आप भी साइट पर कुछ बेहतरीन गेम खेल सकते हैं और बोनस पा सकते हैं मेरे प्रोमो कोड के साथ रजिस्टर करने पर आपको 150 परसेंट बोनस अप टू थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड आई एन आर और टू ट्वेंटी फ्री स्पिन तक मिलेगा तो जाओ और खेलो नमस्ते दोस्तों मैं यू हूँ आज मैं आपसे मोदी के बारे में बात करना चाहती हूँ वो नोबेल पीस प्राइज जीतने जा रहा है क्यूँकी वो एक सेवियर बनने वाले है मोदी रशिया और यूक्रेन को रोकने के लिए किस तरह का सेवियर है वो सिर्फ उम्मीद ही नहीं कर रहा है इतनी अच्छी रेपुटेशन के साथ जाहिर है कि वो इससे ज्यादा अटेंशन भी कमाना चाहता है हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मोदी हाल ही में क्या कर रहे हैं सतह पर मोदी जो करता है वो बहुत नोबल लगता है मोदी एक संत की तरह है जब मोदी अपने पैरों को क्रॉस करता है तो वो उड़ जाता है हवा में अभी भी रहे क्या ये अच्छा नहीं है लेकिन वास्तव में वो अपने कोर में अटेंशन कमाना चाहता है चलिए आपको दिखाते हैं कि मोदी हाल ही में कहां कहां गए हैं मोदी यूक्रेन गए और जेलेंसकी से मिले उन दोनों ने गले मिलकर गले लगाया उफ आपको लगता है कि ये दृश्य भी कुछ ऐसा ही है क्या आपने पहले पुतिन को गले नहीं लगाया था अब जेलेंसकी को गले लगाना बहुत बढ़िया है फिर आप जेलेंसकी को गले क्यों लगाना चाहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वे पहले पुतिन से मिल चुके हैं और जेलेंसकी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे मैं खुश हूँ इसलिए इस बार मोदी यूक्रेन आए और जेलेंस्की ने कहा मुझे वाकई उम्मीद है कि भारत मदद कर सकता है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कोई दक्षिणी देश और फिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पुतिन से बात कर सकता है जल्दी करो इस युद्ध को खत्म होने दो बेशक जेलेंस्की का मानना था कि मोदी द्वारा रशिया से यूक्रेन को उसकी जमीन वापस करने के लिए कहना बेहतर होगा तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि पहले हर कोई चीन पर भरोसा कर रहा था चीन पीसमेकर बनकर क्यों आया और क्यों अब मोदी पीसमेकर बन गया है चीन ने इस युद्ध को रोकने की जल्दी क्यों नहीं की क्योंकि चीन अब थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है पहले हर कोई हमेशा इंट्यूटिवली सोचता था रशिया के साथ इंडिया के अच्छे संबंध है वो थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि चीन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंध अब बहुत तनावपूर्ण है अगर चीन फिर से रशिया के बहुत करीब आ गया यूनाइटेड स्टेट्स चीन पर फिर से गुस्सा हो जाएगा चीन पहले से ही बहुत अनलकी है पूरा दुनिया फिर से चीन को निशाना बना रहे हैं और ये रूस की वजह से है मुझे ये रिश्ते के साथ क्या करना चाहिए मुझे जमीन पर चलना होगा और एक दूसरे से रगड़ना होगा इसलिए अब चीन को थोड़ी उम्मीद है कि वो रशिया के साथ थोड़ा चिपचिपा हो सकता है लेकिन बहुत चिपचिपा नहीं तो आप देख सकते हैं कि चीन अब कितनी शर्मनाक स्थिति में है नीचे की तरफ थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है हाल ही में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सलेवन चीन की यात्रा पर गए थे वांगी ने उन दोनों से मुलाकात की और कहा रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करते हैं वैसे चलो क्रॉस स्ट्रेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं दक्षिण चीन सागर संबंधों के बारे में बात करते हैं नवंबर 2024 में ब्राजील में आयोजित जी में ऐसा हो सकता है आप देख सकते हैं कि बिडेन और शी जिनपिंग की एक और बैठक हो सकती है लेकिन वे जिस बारे में बात करना चाहते हैं, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि चीन पूरी तरह से रशिया का पक्ष न ले अगर चीन रशिया को मिलिट्री एड दे सकता है तो क्या चीन ऐसा कर सकता है मैंने सुना और मैं थोड़ा बहुत कर भी सकता हूँ लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बहुत दबाव में है और मैं पूरे दिल से उसका समर्थन नहीं कर पाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि मोदी ईस्ट एशिया में चीन को रोकने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इसलिए रवैया पूरी तरह से अलग है चीन यूनाइटेड स्टेट से बहुत डरता है और उस पर हमला करेगा मोदी एक पुराने भगवान है मोदी चीन को बैलेंस करने के लिए किसी को नहीं ढूंढ सकते हैं इसलिए निश्चित रूप से एक पूरी तरह से अलग भूमिका निभानी है अब ऐसा लगता है कि मोदी बहुत खुश हैं। मोदी को लगता है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है मैं पुतिन के साथ अच्छे दोस्त हो सकता हूँ लेकिन साथ ही मैं यूक्रेन में अच्छा अटेंशन भी कमाना चाहता हूँ हम आपको इसे दिखाने के लिए ले चलेंगे कुछ लोग वर्णन करते हैं की मोदी अपॉलोजी टूर आयोजित करने के लिए यूक्रेन गए थे तब उस समय जेलेंसकी ने कहा ओ माई गॉड आप इस अपराधी को देखने जाते हैं जिसके हाथ खून से भरे हैं और फिर भी आप उसे गले लगाते हैं नहीं तो अब मोदी माफ़ी मांगते हैं और अगस्त में यूक्रेन आए और जेलेंस्की को भी माफी दी उस समय जेलेंस्की ने कहा मैं आपको गले लगाऊंगा तो बस बातें करना बंद करो ठीक है तो आपने सेम सीन देखा सभी लोग गले मिल रहे थे और फिर यूक्रेन में आ गए किसी ने मोदी को जल्दी करने वाला और यूक्रेन के साथ जल्द संबंध सुधारने वाला व्यक्ति बताया ये अटेंशन के लिए क्यों है क्योंकि मोदी ने यूक्रेन के पोस्ट डिजास्टर और पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठाना चाह रहा था इसलिए आपने देखा कि उसने जेलेंसकी के पास आने के लिए बहुत मेहनत की और कहा वट कोऑपरेशन कैन वी हैव इन द फ्यूचर अगर आप रीबिल्ड करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता हो सकती है अगर आपको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसलिए जब आपने मोदी को यूक्रेन छोड़ते हुए देखा तो उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर लिए और वापस चले गए तो आप देखिए वो यूक्रेन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से पैसा कमाना चाहता है वास्तव में इस बार रशिया यूक्रेन वॉर में भारत को सबसे बड़ा विजेता होना चाहिए अपनी बैलेंस डिप्लोमेसी और दोनों पक्षों को खेलने की अपनी क्षमता के साथ उसने बाएं और दाएं पर पैसा कमाया उसने बहुत पैसा भी कमाया आइए इसे सीधे शब्दों में कहें। उसने रशिया से बहुत पैसा कमाया क्योंकि उस समय रशिया यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सेंक्शन होने के बाद निश्चित रूप से उसे जल्दी से अपने दोस्तों को ढूंढना होगा चीन और भारत में उसके दोस्त कौन है तो उसने कहा अरे मैं आपको बहुत सस्ते दामो आरोप बोन फ्रैक्चर और ब्लीडिंग बह सकता हूँ मैं आपको तेल बेचूंगा मैं आपको कोयला बेचूंगा और मैं आपको फर्टिलाइजर बेचूंगा ठीक है निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी को चूकना नहीं है भारत ने कहा मैं खरीदता हूँ मैं उन सभी को खरीदता हूँ मैं और अधिक खरीदता हूँ और जमा करता हूँ कौन जानता है की आपका युद्ध एक बार में खत्म हो जाएगा मेरी छूट खत्म हो जाएगी इसलिए वो पागलों की तरह खरीद रहा है उसकी खरीद का तरीका वास्तव में अविश्वसनीय है उसने जो खरीदा है वो मैंने इसे दूसरों को बेच दिया और मैंने कीमत पर लाभ कमाया। तो इस तेल के साथ वो कोयला और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स खरीद कर बहुत खुश था उसी समय हमने भारत को देखा उसने रशिया से बहुत सारे हथियार भी खरीदे पिछले 20 वर्षों में उसने रूस से लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे उसने बहुत सारे हथियार खरीदे तो आप देख सकते हैं कि इस बार इस युद्ध में मोदी ने वास्तव में बहुत पैसा कमाया फिर आप कहते हैं दोनों देशों के बीच संबंध बहुत करीबी है ये आप और मैं है और हम प्यार में है हाल ही में मोदी अभी भी पुतिन ऐसी थोड़ा नाराज है पुतिन दुनिया भर में सैनिकों की रिक्रूट क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सैनिक हैं। यदि पर्याप्त नहीं है तो वे सभी मर जाएंगे वेल हमें बहुत से लोग मिल गए हैं और बहुत सारे फॉरेन मर्सनरीज हैं। लेकिन रशिया थोड़ा क्लेवर है जब सैनिकों की तलाश की बात आती है तो कभी कभी ये उन्हें स्पष्ट नहीं करता है आप कहते हैं हमें सेना की जरूरत है टैलेंट्स की भर्ती करना अच्छा है इसलिए सभी ने स्टूपिट तरीके से कहा कि आपका वेतन काफी अधिक है लाभ अच्छे हैं, दिन में तीन बार भोजन शामिल है और आपके पास एक वर्दी है ये सुनने के बाद मैं तुरंत चला गया फिर टूर बस को मिलिट्री व्हीकल में क्यों बदल दिया गया बैठो मैं युद्ध के मैदान में क्यों हूँ ये भारतीय कहना चाहते हैं कि मैं बस कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ और जॉब्स करना चाहता हूँ मैं रसोई में करी बना सकता हूँ मैं युद्ध के मैदान में लड़ने कैसे जा रहा हूँ तो अब हर कोई रिटायर होना चाहता है लेकिन अगर पुतिन हार नहीं मानते हैं तो आप यहाँ है और मैं आपको जाने देता हूँ तो अब मोदी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है हमारे पास कुछ भारतीय हैं जो युद्ध के मैदान में मारे गए हैं अन्य रिटायर होना चाहते हैं और आपको उन्हें जाने देना होगा लेकिन अब पुतिन उन्हें जाने ही नहीं देंगे इसलिए अब मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ी नाखुशी है इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने बहुत पैसा कमाया है इसके अलावा उसे चोटें भी लगी हैं। उदाहरण के लिए रशिया पर सैंक्शन लगा दिए गए हैं फिर इसके कुछ संबंधित रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है इसके पास बहुत बड़ी मात्रा में रॉ डायमंड वॉर है पहले भारत हीरे तराशना पसंद करता था और उनकी तकनीक काफी अच्छी थी इसलिए ये कहा जा सकता है कि दुनिया के 80 परसेंट हीरे भारत में उत्पादित होते हैं भारत में एक छोटा सा शहर है जिसे हीरों का शहर सूरत कहा जाता है ये जगह काटने और चमकाने के लिए फेमस है और फिर इसे अधिक सटीक कटाई के लिए उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड या अन्य देशों में भेजती है तैयार उत्पाद की एक क्रिया ये कहा जा सकता है कि भारत में ये सब हीरे होना चाहिए बहुत सुंदर हीरे की अंगूठियों में बदलना शुरू करने के लिए हीरे के गहने पहला पड़ाव है मुख्य बात यह है कि मुझे रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है अन्यथा मैं उन्हें काट दूंगा मैं उन्हें पॉलिश करूंगा इसलिए अब रशिया के हीरे के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने की अनुमति नहीं है अतीत में इस हीरे के शहर में लगभग छह लाख लोग जीविका चलाने के लिए इस क्राफ्ट इंडस्ट्री पर निर्भर थे अब कोई रॉ मटेरियल्स नहीं है और सभी दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए ये लाखों लोगों ने रातों रात अपनी नौकरी खो दी। बेरोजगारी बहुत मिजरेबल है हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान और जब रूसी हीरे के रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था तो इस हीरे के शहर में साठ या सत्तर लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण थे वे इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली कुछ इमारतों से कूद गए कुछ नदियों में कूद गए और कुछ सभी बहुत दुखी लग रहे थे लेकिन ये ब्लडी ट्रेजेडी है जो रशिया पर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सैंक्शन लगाए जाने के बाद सामने आई वेल ये डायमंड सिटी है और ये भारत में है ये बहुत महत्वपूर्ण है एक शहर अभी बहुत उदास है तो क्या जो पैसा मैंने कहीं नहीं कमाया मैं इसे आपके लिए दूसरी जगह कमाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मोदी को यूक्रेन के रिकॉन्स्ट्रक्शन में भाग लेने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी वास्तव में यूक्रेन में युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ है लेकिन अब लोग हर किसी पर नजर रख रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि हर कोई जल्दी से अपने पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए करेगा साठ से अधिक देश ऑर्डर हथियाने के लिए दौड़ रहे हैं ये कहता है कि अरे मैं इसके लिए रास्ता प्रशस्त करने में आपकी मदद कर सकता हूँ वो कहता है अरे आपका स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गया था और मैंने इसे बनाने में आपकी मदद की दूसरे ने कहा कि, अरे आपको बहुत सारी ईंटों की जरूरत है और मैं ईंटों को जलाने में आपकी मदद करूंगा अब भारत भी बहुत खुश है इसलिए वो दौड़ा चला आया और मैं आपकी जो भी मदद चाहिए कर सकता हूँ साठ से अधिक देशों में चीन का कोई नाम नहीं है चीन को आपदा के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन पर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है चीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैनेटिक है लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं मिला है लेकिन निश्चित रूप से युद्ध के बाद के इस तरह के रिकंस्ट्रक्शन में अभी भी पॉलिटिकल फैक्टर्स लगते हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर से अधिक है इसलिए भारत को इस क्षेत्र में दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहिए आप मोदी को पूरे दिन जलेंसकी के पास दौड़ते हुए देखते हैं और वो जेलेंसकी को इतनी कसकर गले लगाते हैं कि वे दोनों लगभग किस कर रहे हैं इसलिए आप ये देख सकते हैं कि उन्हें बहुत सारा पैसा बनाने के लिए एक डॉलर भी नहीं छोड़ना चाहिए भारत के पास हाल ही में एक बड़ा पैसा गड्ढा है जो इसका डिफेंस बजट है अब इसका डिफेंस बजट जी के प्रोपोर्शन के लिए अकाउंटेड है ये आमतौर पर विभिन्न देशों का अनुपात है इसका अनुपात पहले से ही चीन से अधिक है हमें चीन के साथ झगड़ा क्यों करना चाहिए दोनों पड़ोसी अभी भी सीमा पर संघर्ष में हैं। अब आप रक्षा बजट देखें। ऐसा लगता है कि आप हार नहीं सकते मुझे और पैसा चाहिए लेकिन उनके एक रक्षा बजट में अठारह प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में इसमें इतनी वृद्धि हुई है ये बहुत इम्प्रेसिव है तब आपको महसूस होना चाहिए कि आर्मी स्ट्रॉन्ग है मैं मोस्ट पावरफुल वेपन्स खरीदना चाहता हूं। मेन पॉइंट ये है कि भारत ने किससे खरीदा रशिया ने बहुत कुछ खरीदा क्या हम इस पर सहमत नहीं हुए फिर आपने ये खरीदा करंट डिफेंस बजट इतना अधिक है और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इतना पैसा खर्च करते हैं और बहुत सी चीजें खरीदते हैं जो बेकार हैं। अरे आप उन्हें रशिया से खरीदते हैं रशिया इस युद्ध में अपनी जमीन खो रहा है उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अनबेरेबल है एज अ रिजल्ट आपने बहुत सारा कबाड़ और कबाड़ खरीद लिया और अब आपको वास्तव में युद्ध में जाना है तो हमें क्या करना चाहिए तो हम देखते हैं कि करंट हाई डिफेंस बजट कहाँ खर्च किया जाता है और क्या ये कटिंग एज पर खर्च किया जाता है अब ये हो गया है बहुत से लोग मोदी की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं लेकिन ये कहने के बाद इस बार मोदी को रशिया यूक्रेन वॉर में सेवियर विनर कहा जा सकता है आप उन्हें इस लड़ाई के कारण फिर से जियो में भी देख सकते हैं ऐसा लगता है कि ये एक और डिफरेंट लेवल पर पहुंच गया है अब हर कोई देखता है कि ये एक बड़ा देश बन गया है और ये बड़ा देश डिप्लोमेटिक फील्ड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का कोऑर्डिनेट करने के लिए भी सामने आ सकता है वे सोचते हैं कि वाह ये अभी भी पुराने जमाने का भारत है ये बहुत बढ़िया है अब आप खड़े होकर मीडिएट कर सकते हैं, है ना? तो ये लड़ाई भारत को एक दूसरे लेवल पर ले आई है जहाँ उसे लगता है की वो बड़े देशों की कतार में शामिल हो गया है फिर उसे पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने हैं अब ऐसा लगता है कि मोदी ने फ्यूचर में युद्ध के बाद के रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का बीड़ा उठा लिया है युद्ध के बाद इंडिया को यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या ऑर्डर मिलेंगे क्या भारत की इकोनॉमी के फिर से ऊपर उठने की कोई संभावना है चलिए देखते रहिए यही मैंने आज आपके लिए देखा है तो सबसे पहले यूजर हार्डली यू फोर एट फाइव ने लिखाई की इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर पहले इंडिया को अपने रोड्स रिपेयर करने दो विदाउट इवन हैविंग ए प्रॉपर रोड्स इंडिया इज टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स आउटरेजियस उसके बाद फोक वेट एट सिक्स फोर वन सिक्स ने लिखाई की इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से पहले तुम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉयलेट्स क्यों नहीं बना लेते टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूरिनेशन एंड डेफिकेशन ऑफ द पीपल उसके बाद यूजर जेपी ने कॉमेंट किया कि जेलेंस की इंडिया की पीस समिट को सपोर्ट करता है असल में इंडिया और यूक्रेन दोनों के जो लीडर्स है वो बहुत बड़ा नौटंकी है एक्टर्स है एक्ट्रेसेस है तो उनको एक्टिंग करने ही दो सो लेट देम कीप एक्टिंग उसके बाद यूजर जेपी ने कमेंट किया कि इंडिया को 10 साल लग गए एक हाई स्पीड रेलवे बिल्ड करने में और अभी तक इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 40 परसेंट लैंड एक्विजिशन कर पाया है बट द लैंड एक्विजिशन प्रोग्रेस इन इंडिया इज लेस देन फोर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन अभी भी अंडरवे में है शायद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इंडिया को तीन साल से भी ज्यादा लग जाएगा क्वेश्चन यह है कि क्या 300 साल के बाद इंडिया के पास कोई लैंड बचेगा भी इंडिया तुम बस पेरेड और स्टंट्स परफॉर्म करते रहो उसके बाद चिया ने कमेंट किया कि यूक्रेन ऑलमोस्ट अपने समाप्त के करीब है नॉट ओनली इज इट शॉर्ट ऑफ मनी बल्कि यूक्रेन अपने सारे हाई वैल्यू डोमेस्टिक एसेट्स को बहुत पहले से ही यूएसए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास मॉडगेज कर दिया है यूक्रेन हाई वैल्यू डोमेस्टिक एसेट्स हैव लॉन्ग बीन मॉडगेज टू यूएस मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये जो एड्स वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को दे रहे हैं वो भी एक टाइप का लोन ही है देर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच उसके बाद चैन लून चैंग ने कॉमेंट किया कि क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना जल्दी कुछ बिल्ड कर पाएगा क्या असल में इंडिया कभी भी सच में एक हाई स्पीड रेल बिल्ड कर पाया है डस इंडिया हैव द स्ट्रॉग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज फॉर दैट क्या इंडिया का ग्रेट डैम जो कि मैंने सुना था कि तीन जॉर्ज कैनियन से भी ज्यादा बड़ा है वो कोलैप्स और फॉल नहीं कर गया इंडिया को क्या जरूरत है ऐसे चीज करके अपना बेइज्जती करने की उसके बाद ब्रांड न्यू माइन नाइन ने लिखा है इंडिया की टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो चल रहा है और बहुत कम नंबर में टॉयलेट्स बनाया जा रहा है इसीलिए एक बहुत बड़ी संख्या की लोग जो है वो आउटडोर डेफिकेट करते हैं तो जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है आर दे रियली फाइटिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसके बाद डीगो चेन ने कमेंट किया कि इंडिया ने खुशी खुशी ओलंपिक्स में अप्लाई तो किया था बट गॉट जीरो मेडल्स उसके बाद यूजर एच ने कमेंट किया कि इंडियंस आर रियली वेरी एफिशियंट मैं इस चैनल के होस्ट को बदनाम या फिर उनको कुछ गाली नहीं देना चाहता बट आई थिंक ये चैनल की जो ओनर है ये चैनल की जो होस्ट है शी थिंक्स टू मच उसके बाद एस एस के एन ने लिखा है कि इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस और एबिलिटी कहां से मिलता है और इंडिया पे यकीन भी कौन करता है बहुत सारे इंडियंस खुद अपने देश पे भरोसा नहीं करते उसके बाद मास्टर वॉन्ग फाइव फाइव सिक्स एट ने कॉमेंट किया कि इनफैक्ट नैटो ने कहा है कि ईस्ट में एक बहुत बड़ा देश है जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट कर सकते हैं और पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो चाइना को तो नहीं पता कि दिस सो कॉल्ड बिग कंट्री कौन सा देश है लेकिन इंडिया सोचता है कि इंडिया वो देश खुद है जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे अकल के अंधे है चूती है तो खुद सोच के देख खुद रिसर्च करके देख कि कौन सा ऐसा देश है सिर्फ ईस्ट में ही नहीं पूरे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिनका जो है रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस है जो कि रशिया भी विजिट कर चुके हैं और यूक्रेन भी विजिट कर चुके हैं तो जिनके पास बेसिक कॉमन सेंस है जो कि तेरे चाइना में अवेलेबल नहीं है इसीलिए शी जिनपिंग का गुलाम बन के बैठा है तो वो तो तेरे पास नहीं है लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास कॉमन सेंस तो है और इंडिया के पास तो डेफिनेटली है तो सबको पता है कि कौन से देश की बात हो रही है उसके बाद फिलिप ल्यूंग जे नाइन आर ने लिखा है कि इंडिया द लैंड ऑफ जीरो मनी इज फुल ऑफ फैंटेसी कुछ ना होने के बावजूद भी इतना नार्सिज्म और इतना क्रेजी खुद के बारे में विच क्रिएट्स अनपैरे लाफ्टर एंड जेनरसिटी इंडिया की एडवांटेज ये है कैन प्रोवाइड डिफरेंट जोक्स टू एंटरटेन दब्लिक उसके बाद डूनसी वेस्ट सिक्स थ्री वन ने कमेंट किया कि, कि अगर मोदी नोबेल पीस प्राइज जीतते हैं तो ये यूएस की तरफ से बिगेस्ट कंसेशन होगा क्योंकि यूएसए हमेशा अपने सिटीजन को ये अवार्ड देता है अगर मोदी यूएसए का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक गोल जो की कंटेनिंग चाइना चाइना के डेवलपमेंट को रोकना वो अचीव नहीं कर पाता है तो यूनाइटेड स्टेट मोदी को हटाने में पांच मिनट भी देरी नहीं करेगा उसके बाद ग्रेग वैंग एट सिक्स टू एट ने लिखा है कि मोदी को लगता है कि मोदी बहुत स्मार्ट है बट मोदी को यह नहीं पता है कि अपने देश इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है और वो उनके इस बड़े एम्बिशन को कभी फुलफिल नहीं करने देंगे उसके बाद तो एकाओ एकाओल सेवनजेन ने कमेंट किया कि चाइना कभी भी ना तो रशिया का दोस्त था ना है और रहेगा इनफैक्ट ये बेटर है चाइना के लिए कि रशिया और यूक्रेन हमेशा ऐसे युद्ध में ही उलझे रहे ताकि चाइना को चीप रिसोर्सेस रशिया से हमेशा मिलता रहे चलो कोई तो है कि जो चाइना के बारे में अपना सच्चाई जो है वो बता दिया ये पुटिन को दिखाना चाहिए इनफैक्ट पुटिन को पता भी होगा बट पुटिन को इस तरीके से चाइना को खेलना पड़ेगा कि अपना एम्बिशन भी पूरा हो जाए और बाद में चाइना को जो पीछे बम्बू देने में भी पुटिन कोई कसर ना छोड़े इसलिए पुटिन जो है इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है क्योंकि पुटिन को भी पता है कि बाद में चाइना को सबक सिखाने के लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़र एक्स ने लिखा है कि मोदी द बेस्ट इन द वर्ल्ड उसका चुआंग जुआंग वन ने कॉमेंट किया है कि मुझे रियली really देखना है कि यूक्रेन कैसा लगता है जब इंडिया उसको रिवील करता है उसके बाद यूजर क्यूजे फाइव ने कमेंट किया कि ये एग्जैगरेशन होगा बोलना कि इंडिया का आर्म्स परचेज बिल्कुल बेकार है और इंडिया ने 60 बिलियन यूएस डॉलर रशिया से स्क्रैप मेटल खरीदने के लिए यूज कर दिया लेकिन द मेन रीजन कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना लो है वो है करप्शन और लैक ऑफ एफिशियंसी ऑफ द मिलिट्री इट रशियन वेपन स्टिल हैव ए वेरी हाई सीपी वैल्यू दूसरी तरफ यह बोला जा सकता है कि ताइवान इस बारे में रियल स्टूपिड और रियल कल्प्रिट है क्योंकि उसने बहुत सारे वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदे हैं और वो ऐसे वेपन्स हैं जो कि यूएस में बहुत पहले ही एक्सपायर्ड हो चुके हैं ताइवान ने यूएसए को एडवांस में पैसे दिए लेकिन उसको वेपन डिलीवरी में बहुत लेट हो रहा है और बहुत सारे वेपन्स उसको अभी तक मिला भी नहीं आप जो भी बोले बट इंडिया इतना भी बुरा नहीं है एंड इंडिया इज नॉट टू लाफ एट उसके बाद यूजर केबीएल ने लिखा है कि बिना किसी पैसे के इंडिया भला यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बिल्ड करेगा और यूक्रेन अभी इतना पुअर है कि वो इंडिया को पे कर भी नहीं पाएगा उसके बाद यूजर एन बी सेवन जी ने कमेंट किया कि यूक्रेन भले ही चाइना को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ना चुने लेकिन यूक्रेन इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो इंडिया को चुनेगा देर इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रादर गो फॉर कंपनीज फ्रॉम जापान साउथ कोरिया उसके बाद चैन रे एट ने कॉमेंट किया कि यूक्रेन इज इन मेस एंड इट्स हैवीली इन डेप्ड हाउ कैन इट हैव द मनी टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन मोदी विल रादर एक्सेप्ट यूएस प्रोजेक्ट्स एंड यूएस बिल्स तो जेज 7341 ने लिखा कि अगर हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो यह तो वही बात हो गई कि अगर हम चाइना के हाउस होल्ड अपलायसेज को जापानीज हाउस होल्ड अप्लायंस के साथ कंपेयर करें तीस साल पहले के क्योंकि तीस साल पहले चाइनीज और जापानीज हाउस होल्ड अप्लायंस में जमीन आसमान का फर्क था द गैप वॉज टू बिग और अब वही चीज चाइना और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी कहा जा सकता है तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल मैं गुड बाय